हुकूमत की तरफ से मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है सेक्शन 401 सीआरपीसी के नतीजे में बकौल आमिर मीर साहब। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट एज अ लीगल एक्सपर्ट? लीगली को छोड़ो, अब लीगल कोई लॉ रह गया है? मैंने तो अब छोड़ दिया बहस करनी। लॉ मैं कहता था कि मेरी निगाह में कभी ये मुझे मैं मान ही नहीं कर सकता कि 90 दिन के बाद भी हुकूमत और निगरान की रह सकती है पंजाब में और खैबर, मान ही नहीं कर सकता। मैं कहता है हो ही नहीं, होएगा ही नहीं। और ये आजम खान तो कम अज कम मैं ये उसकी बारे में ये मतलब है दावा करता था कि वो तो 91 दिन कलम छोड़ के और स्याही सारी सरकारी जो है वो दवात में वापस डाल के और वो उसके चला जाएगा। यहाँ कुछ कोई शर्म हो आई नहीं रह गई। आइन की क्या चीज है? आइन ये निगरान उनका वैसे ही कोई इख्तियार नहीं, और इसका 90 दिन के बाद तो बिल्कुल ही कोई इख्तियार नहीं रहा। ये बैरूतियों की तरह बन के बैठे हुए उनसे। फिर ये 90 दिन में इलेक्शन ना हो, ये भी मानने को सवाल ही पैदा नहीं था, होता मानता हूँ मैं, मानता ही नहीं था। फिर ये जो कुछ मराहत मिली है जिस तरह सेंड ऑफ किया है एक हमारे हाई कमिश्नर ने लंदन से, जिस तरह उनका प्रोटोकॉल मिला है दुबई में, जिस तरह मिला है अदालत से जो रिलीफ मिली है, हर चीज अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड। कभी इसका सोचा ही नहीं, सुना ही नहीं था। अब 3 मरतबा बल्कि अखीर तौर पर 4 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ, 4 मरतबा, क्योंकि 4थी मरतबा जो शहबाज शरीफ था वो भी असल में उनका नुमाइंदा ही था लगाया हुआ। अब 5वीं मरतबा वो वजीर आजम बनने आ रहे हैं, 2 मरतबा वो वजीर आला रह चुके हैं। अब मान ले हम भी कि कानून उनके आगे कुछ नहीं है, अदलिया है वो उनके रिलीफ उनके घर में जाके देने को तैयार है कि उनके लिए वो बायोमेट्रिक ही जाके उधर उनके पास हो, और पीछे क्या रह गया? पीछे रह गई उनकी जमात और अवाम। अवाम की तो किसी को परवाह नहीं है। अब लॉ की और आइन की मेरे से तो बात ना करो, बैरिस्टर बैरिस्टर तुम भी होंगे, मैं भी होऊंगा, पर ये हमने कोई और ही वक्त देखा है और ये दुनिया ही और है। ये समझो किसी और सैारे पे हम आ गए हैं, जहाँ कानून का तो कोई जिक्र ही नहीं, किसी को परवाह ही नहीं, किसी को कुछ कोई मतलब है, देर इज जस्ट नो कंसर्न फॉर इट। सारा ही मामला चल रहा है, वो निगरान जाके मुआहदे कर रहे हैं चीन में भी और फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं और निगरान सब कुछ कर रहे हैं। निगरानों के बारे में ख्वाजा आसिफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मतलब तकरीबन यही कहा है कि ये तो वॉल पेपर जिस तरह होता है उसमें फूल जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि ये फूल जो है ये चीफ मिनिस्टर है, उसके नीचे ये फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके साथ ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये सारी काबीना दीवार पे चिमटी हुई है दीवार के साथ, और हम हमें बताया जाता है ये चीज, उनके इख्तियार ही कोई नहीं ना, उनके इख्तियार ही कोई। अब ये सारे बा इख्तियार बन के फिर रहे हैं जिस मुल्क का आइन पहला जुमला ये है, वेयर एज सॉवरेंटी बिलोंग विद ऑलमाइटी अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव, मुंतखब नुमाइंदे, नामजद नहीं, ये नामजद बैठ गए हैं। ये तो आर्टिकल 6 अगर कोई लगाना शुरू करे तो पता नहीं किस किस पे लगता है। एक कन्विक्टेड प्रिजनर को फैसिलिटेट करना या हार्बर करना पीपीसी का आप जानते हैं जुर्म है। तो आप जब भूल जाओ, अब ये तमीज ही ना करो कि ये कानून के खिलाफ हो रहा है, क्या हो रहा है, कानून की खिलवाड़ हो गई है, आइन ये सर जमीन बे आइन है। अब हमारे जो हमने सीखे हुए थे 70 साल, अब आई एम 78, जो सीखे थे असूल वो सब खत्म, उनका एहसान है वो पाकिस्तान आ गए हैं वापस, और बस शुक्र करो अल्लाह का। इतजाज साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड,
सेंटिमेंट, लेकिन हम ना आपकी इस तरह की गुफ्तगु सुनने के आदि नहीं है। मैं मुझे याद है आज भी कि जब जन मुशरफ का दौर था और वोकला तहरीक का आगाज हुआ था, और वो एग्जैक्ट मोमेंट जब आपने वोकला तहरीक में एंट्री दी थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, अगर आपको याद हो, मेरे ख्याल में मार्च 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, और आप पार्लियामेंट हाउस से निकले थे और सुप्रीम कोर्ट के मेन दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में एंटर हुए थे, और सामने कोई 200-250 वकील खड़ा था और उन्होंने आपको देख के नारे लगाए थे और फिर आपको कंधे पे उठा लिया था। दैट वॉज द मोमेंट जहां पे वोकला ने फैसला किया कि एतजाज अहसन बतौर लीडर इस मूवमेंट को लीड करेगा। फिर आपने उसको भरपूर तरीके से लीड किया, वो नज़म भी आपने बड़ी कमाल लिखी, जजेस भी रिस्टोर हुए, एंड मुझे तो अब तक एक साल हुआ था बारेट लॉ करके वापस आए हुए। तो एज ए यंगस्टर हम तो आप जब तकरीर करते थे तो आप स्टेज पे खड़े होके जब बोलते थे वो नज़म वगैरह, तो हम आपको बड़े वो फैसिनेशन के साथ देखते थे। तो हम तो उस एतजाज अहसन के जो है ना आदि हैं देखने के। तो आज जब आप मुझे कहते हैं कि यार छोड़ो, बात ही ना करो, तमीज ही ना करो, तो व्हाट मेक्स यू से दैट? आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जेल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ भी आपने देखा है, उसमें भी आपका एक स्ट्रगल है। आई अंडरस्टैंड माशाल्लाह आप 78 के हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, बट व्हाट मेक्स यू से दैट ये हालात कोई बहुत ही गैर मामूली आपको लगते हैं, जेल ज़ियाउल के दौर से भी और जेल मुशर्रफ के दौर से भी जो मौजूदा हालात? जी नहीं, अब कुछ भी, अब ये फिनोमेना ही और है। नवाज शरीफ एक बड़ा फिनोमेना है जो 5 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर हो सकता है, ज़ियाउल हक से चला है, नॉन पार्टी इलेक्शन में वो हुआ प्राइम मिनिस्टर, और फिर पार्टी बना के ऐसी पार्टी बनाई है जो उसमें इनमें वैल्यूज ही कोई नहीं है, इकदार ही कोई नहीं है। सबसे ज्यादा इस मुल्क को खराब तो मुस्लिम लीग और अनफॉर्चुनेटली लीगियों ने किया है, कोई इम्तियाज ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं बाकी रह गई जो इन्होंने नहीं खराब की और खत्म की। और फिर सेल्फ राइट, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है एतजाज साहब? इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इमरान खान का तो पता नहीं मुस्तकबिल होगा कि नहीं होगा, वो तो एक आदमी है जिसने आवाज लगाई है और जिसपे अब सारे बरस पड़े हैं, सारी आफात उसके लिए है। मैं तो इसलिए उसका इस मामले में जबर हो रहा है, और एक तरफ इतना जबर एक वजीर आजम साबिक वजीर आजम से हो रहा हो, दूसरी तरफ आप इतने झुक रहे हो और कोई इदारा नहीं, अस्करी हो सिविल हो, जो उसके आगे बिल्कुल फराश नहीं है, कोई इदारा नहीं। और ये तो बड़ी मतलब है, इसको इससे बात और क्या करें, मैं तो ये बात कार करके भी था क्यों अब उसको साथ फर्शी करें।